वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आप सभी का स्वागत है आईसीटी को फॉर यू चैनल में। जैसा कि आपने अगले वीडियो में देखा, हम स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स के रिवीजन राउंड के अंदर है। पहले दो रिवीजन राउंड हमने कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का। दोस हु आर मिस्ड दिस, we have provided you link in comment box for first and second chapter, very very important revision round के अंदर आपने देखा बहुत सारे जो doubt आपके जो बाकी रहे थे वो solve होते नजर आ रहे हैं आपको। दूसरा, जो भी हम यहाँ से revision round के अंदर आपको dictate करने को बोले वो आप dictate करते रहे अपने notebook के अंदर, notebook और pen लेके बैठे आप। keep 200 pages notebook of economics and टेक वन पेन ऑल्सो। आपको यहाँ से जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ से आपको लिखने को बोलूँ, नोट डाउन करने को बोलूँ, कृपया अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करते रहे। इस चैप्टर के अंदर जो भी हमने व्हेन द आवर पोर्शन इज गोइंग ऑन हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर मनी और इन्फ्लेशन क्या है, मनी के कौन कौन से पॉइंट है वो सभी उन्हें डिस्कस किए थे। मगर फिर भी अगर आपको डाउट है कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ए बी सी डी ई के अंदर आ सकते हैं, उनके आंसर कैसे लिखे जाते हैं, वो सभी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो अंत तक ये वीडियो देखते रहे, आखिर तक ये वीडियो को देखते रहे तो आपको पता चलेगा कैसे वो सब कुछ आपको मिल सकता है। दूसरा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा जो भी है वो कंप्लीट करके आपको करना है। जो हम यहाँ रिवीजन राउंड के अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर हम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हम करेंगे वो आपके लिए ही अच्छे के लिए, और आप जो भी डिक्टेट करते हैं नोट डाउन करते हैं वो सभी आपको यूजफुल होंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, और वो एग्जाम के लिए आपको काफी यूजफुल होंगे सभी क्वेश्चंस। तो पहले हमने क्या देखा था उसकी हम बात करेंगे। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर थोड़ा सा हम हाईलाइट उनकी हाईलाइट देख ले ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपके लिए और काफी अच्छी तरह से आपके दिमाग में पूरा रिविजन राउंड कम्प्लीट हो जाए। आई रिपीट अगेन, दोस्त स्टूडेंट हु आर नॉट स्टिल सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चैप्टर आपको नोटिफिकेशन तो सब कुछ मिलता जाएगा, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी डाउट है आपके, वो भी आपके सॉल्व होते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस पीरियड्स। जो हमने देखा था उसके अंदर थर्ड चैप्टर के अंदर मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी हमने देखे, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज ए स्टोर वैल्यू, मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ मनी, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अदर रीजन, ये सभी टोटल हमने पॉइंट कवर किए थे चैप्टर के अंदर। हम स्टार्ट करते थोड़ा सा, पहले हमने देखा था कि हमारी एक्टिविटी काफी लो रेट पे चल रही थी, डेवलपमेंट इतना नहीं था, तो हम एक दूसरे के साथ आपस में कॉम्पिटिटिव और सर्विस को एक दूसरे से बांट के हम सिस्टम से हम लेन देन करते, दैट इज मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर द अदर गुड्स और सर्विस विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। यानी हम अपने जेब में कोई पैसे जो भी रखते हैं वैसे हम रखते नहीं थे पहले, कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी देते थे, सर्विस के बदले में सर्विस लेते थे, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम, बट वी कैन फाइंड आउट सो मेनी बार्टर सिस्टम्स लिमिटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके क्वेश्चन के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा गया है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या है। आई रिपीट अगेन, इकोनॉमिक्स काफी इजी है, चैप्टर काफी छोटा है, यहाँ जो भी हम बात करें उसको ध्यान से सुने, और अगर ये पूरा वीडियो आपने दो तीन बार देखा मनी और इन्फ्लेशन का, यू आर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। सो वेरी इजी चैप्टर एंड द क्वेश्चन आई रिपीटेडली कम्युनिकेट विथ यू दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एज वेल एज योर फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट। सो हियर
इमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन बी और समटाइम्स इट मे बी इन सेक्शन ई. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. देर आर थ्री पॉइंट बट वी आर डिवाइडेड इंटू सिक्स पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स. सेकंड पॉइंट इज देयर डिफिकल्टी इन द स्टोरेज वैल्यू, दैट इज एब्सेंस डिफिकल्टी इन द स्टोरेज वैल्यू, दैट इज एब्सेंस ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड प्रॉब्लम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज डिवाइडेड इंटू सिक्स पॉइंट मेनली. दिस थ्री पॉइंट्स आर डिवाइडेड इंटू सिक्स पॉइंट विद द सम ऑफ द पार्ट आर डिवाइडेड इन सिक्स पॉइंट. हमने इस थ्री क्वेश्चन को सिक्स पॉइंट में डिवाइड कर दिए है ताकि आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाए. पॉइंट सभी एक ही है, तीनों पॉइंट के ही अंदर अंदर हमने थोड़े से डिवाइड किए है. तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम बोले आप लिखते जाना, अगर आपको पूछा गया बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो ऐसे पूछेंगे डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. आई रिपीटेडली क्वेश्चन बिकॉज यू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिफिकल्टी सॉरी लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. नोट डाउन इन योर नोटबुक एवरी वन, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड मार्क इट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपने ये थोड़ी सी हमारी बात सुन ली, अच्छी तरह से आपने कॉन्सेंट किया तो आप जीत गए इकोनॉमिक्स में, आप जीत गए. आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास पूरी स्टडी बाकी है, मगर जो भी यहाँ से हम वर्ड बोले उनके अच्छी तरह से आप कैच कर लेना तो इकोनॉमिक्स में आप जीत गए समझना. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ई और डी, डिफाइन बार्टर सिस्टम, राइट डाउन एवरी वन डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. नाउ देर आर सम ट्रिक फॉर इट. जब हम रिविजन करेंगे, रिविजन के अंदर ट्रिक भी हम आपको शेयर करेंगे कि कैसे ये तीन पॉइंट के सिक्स पॉइंट हमने किए हैं उनको कैसे याद रखे. तो जब हम रिविजन के अंदर जाएंगे तो ये पूरा आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी ट्रिक से हम ये सिक्स पॉइंट को याद रख सकते हैं. अगर आपके दिमाग में पॉइंट बैठ गए इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर आपके हाथ में पॉइंट है, इफ यू हैव पॉइंट्स इन योर हैंड्स इन इकोनॉमी, देन यू विल गेट एनी आंसर. कंटेंट क्या है वो आपको पता है, मगर व्हाट आर द मेन डिफिकल्टी फॉर द स्टूडेंट, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर योर पॉइंट्स. इफ यू हैव पॉइंट्स इन योर हैंड्स, इफ यू राइट ऑल द पॉइंट्स, यू विल गेट आउट ऑफ फाइव एटलीस्ट फोर, एटलीस्ट थ्री, एंड सम ऑफ टाइम इट मे बी फाइव आउट ऑफ फाइव. सो कीप इन माइंड दैट हाउ टू रिमेंबर, व्हाट आर द ट्रिक्स, दैट विल बी इन कपल ऑफ मिनट और couple of half an hours this video is over, then you will find out. So please watch this video till the end so that you can find out so many tricks how to remember this all points. Next, pehla humne point dekha tha ke problem of mutual adjustment of want, jo bhi wants hai unki mutual adjustment nahi ho pa rahe the. Yani agar hame kisi ke paas sugar ke badle वीट चाहिए तो वो पॉसिबल था पहले, मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, उनसे बार्टर सिस्टम की इमिटेशन और बढ़ी. क्यों? क्योंकि हमें चीनी चाहिए, सामने वाला रेडी नहीं है वीट देने के लिए, और वो वीट देने के लिए रेडी है मगर हमें ऑयल चाहिए. तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं बना. सेकंड लिमिटेशन के अंदर हम जाए तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, जो स्टोरिंग वैल्यू है, देयर वॉज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन द स्टोरिंग वैल्यू. हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू. अ फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर ऑफ शूज और क्लोथ, बट व्हेन प्रोडक्टिविटी राइजेस एंड सी और ही प्रोड्यूस मोर वीट, देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रॉन्ग सरप्लस वीट. इफ वीट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन At a future date, such stock of wheat can be exchanged. यहाँ पे जो भी wheat या फिर हम vegetable की बात करें, potato, या फिर हम onion की बात करें, या फिर हम tomato की बात करें, these all are the perishable quality foods. And if we store in a long time, it not possible. It is spoiled definitely. So if we want to get its store value, then it will be zero. एक साल तक गेहूं चल सकते हैं, उसरे और दो साल चलाएंगे तो वो गेहूं की जो स्टोरेज वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी.
अगर हमें 2 साल के बाद किसी को पेमेंट करना है तो हमारे पास पैसे है, उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करके जो भी हम पैसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज वैल्यू है मनी की, मगर ये जो कॉमोडिटी है उसकी नहीं है। थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट इज द की रॉल। इफ यू वॉन्ट टू गेट टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, इफ यू हैव 50 रुपीज और 60 रुपीज यू इन योर पॉकेट, यू कैन इजिली बाई। दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विसेज। जैसे जैसे मेजरमेंट रोल आते गए वैसे वैसे हमारा ट्रांजेक्शन अच्छी तरह से होने लगा, मगर ये तो हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम की। यहाँ पे हम देखें तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिविजन ऑफ द लेबर एंड द स्पेशलाइजेशन इन द इंडस्ट्रीज ड्रिवन इकोनॉमी, द इश्यू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इमर्ज। एक्सचेंज वीट फॉर राइस वॉज सिमिलर बट नाउ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बिकम अवेलेबल फॉर एक्सचेंज अगेंस्ट विच एंड हेंस इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ व्हीट। इफ 20 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 40 kg ऑफ राइस, 10 meter ऑफ टेक्सटाइल वन एक्सचेंज फॉर 1 kg, हाउ इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको पेट्रोल पेट्रोल पंप के ऊपर फिलअप करवाना है, अगर आपके पास 100 rupees है तो यू कैन इजीली 1 liter तो आपके अंदर आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अबाउट 80 per liter, अगर 2020 के अंदर हम बात कर रहे हैं तो 80 per liter मैक्सिमम हो सकते हैं, तो हमारे पास तो भी 20 rupees बचेंगे। दैट इज द मेजरमेंट रोल, मेजरमेंट वैल्यू है उसकी, तो ये आसानी से हम डीलिंग कर सकते हैं, मगर पहली ऐसा कोई मेजरमेंट रोल नहीं था, वो एक प्रॉब्लम हुआ। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी आपके लिए। ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा मनी है वो मनी का हिस्ट्री क्या है, हमारे फाइनेंस का, हमारी मनी कैसे इमर्ज हुई, लोग क्या पहले यूज करते थे उसके बाद क्या आए, तो धीरे धीरे करके वो रिवोल्यूशन हुआ। ऐसे डायरेक्ट हमारे हाथ में जो भी नोट के बंडल है वो ऐसे नहीं आ गए, उसके पीछे बहुत सारा हिस्ट्री है। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द एक्सचेंज एंड इंट्रोड्यूस एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम विच इज सैटिस्फाइड स्टोर वैल्यू फंक्शंस वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम, कॉमोडिटीज एंड द एनिमल्स वेर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले अगर हम बात करते हैं एनिमल्स को हम यूज करते थे एक दूसरे को माल बेचने के लिए लेने के लिए, यानी कॉमन मीडियम था एनिमल। उसके बाद एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर बढ़ा, आगे बढ़ा, क्रॉप्स अच्छी तरह से आगे बढ़ने लगे, काफी प्रोडक्शन हुआ, स्टॉक भी अच्छा हुआ, तो उनको एक्सचेंज करने में एनिमल कुड ऑल्सो बी सोल्ड टू गुड सर्विस और बट ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी की फैक्टर। अगर हम जैसे पैसे जेब में लेके घूमते तो इट इज वेरी कम्फर्ट फॉर अस एंड सेटिस्फाइड अवर वॉन्ट्स वेरी इजिली, बट इफ दिस टाइप ऑफ काउ बफेलो बिकम मीन्स ऑफ एक्सचेंज इज वेरी वेरी हार्ड टू ट्रेड। द यूज ऑफ द एनिमल इज अ स्टैंडर्ड मेजर एंड कॉमन मीडियम ऑफ द ट्रेड ऑल्सो बिकम ए लिमिटेशन एंड कॉज ऑफ डिफिकल्टीज। एनिमल की भी डिफिकल्टी है, लिमिटेशन है, मॉर्टल है, दे गेट सीक दे एंड डाई ऑल्सो, देयर फॉर द स्टोरेज वेल्थ इज टोटली ले लो। हमारे पास अगर 2-3 गाँव है, अगर वो मर गई तो उनका वैल्यू जीरो हो जाता है। दस द वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स वेर यूज, उसकी जगह जो वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स है उनकी यूज की। पहले एनिमल, एनिमल में काउ जो थे वो एक्सेप्टेबल था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काउ इज एक्सेप्टेबल मीडियम। देन उसके बाद धीरे धीरे उनकी लिमिटेशन आई, मिनरल स्टोन को हमने यूज किया एनिमल के जगह। एट ऑनसेट ऑफ द इंपॉर्टेंस द यूज ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड, उसके बाद कॉइन स्टार्ट हुआ एज ए मेड एज ए मीन ऑफ द ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द किंगडम। जो राजा महाराजा थे वो प्रीशियस स्टोन्स का यूज करते थे। द ओनली लिमिटेशन वॉज दैट दे वेर यूज इन लिमिटेड सेक्शन, उनके लिमिटेड रीजन में ही वो यूज करते, बहुत सारा अगर देश परदेश में वो जाते थे तो वहां उनकी नहीं चलती थी, क्योंकि उनके जो प्रीशियस स्टोन है वो ही जानते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंस्पायर्ड हुआ, मॉडर्न टेक्निक आई, बहुत सारा चेंज हुआ 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के भी आए, उससे पहले कुछ ऐसा लगा गवर्नमेंट को कुछ वाइडली एक्सेप्टेड मीन्स हमें सोचना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा जो गुड्स और सर्विस को अच्छी तरह से एक्शन कर दे। तो एक कॉइन आए धीरे धीरे, मेटल कॉइन आए, मेटल कॉइन की भी लिमिटेशन हुई। उसके बाद जो हमारे पास आई वो नोट, पेपर नोट के अंदर आई, उसके बाद धीरे धीरे बनी मनी बढ़ता गया, कॉमोडिटी मनी हुआ, एनिमल मनी हुआ, मेटल मनी, देन पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, बैंकिंग मनी, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल और ई मनी। हम दोनों का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक कार्ड आपके जेब में, बहुत सारे यूज कर रहे हैं अभी
हमारा जो कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक वाले देते हैं, तो बिना पैसे दिए हमारे अकाउंट में से भी अब तो डिडक्ट हो सकते हैं। तो दिस आर द वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द आवर मनी। नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट ऑफ मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। कीप ऑल प्लीज कीप इन माइंड दैट एवरीवन प्लीज सी वेरी वेरी क्लियरली इन दिस पेज एंड हाईलाइट इट, और प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज द मीडियम विच यूज एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ द टाइम। हमने पढ़ा था जब हमने रिविजन किया, सॉरी हमने जब चैप्टर में चला रहे थे तब हमने ये डीप में आपको समझाया था कि कोई भी डाउट के बिना यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड क्वालिटी है उसके बदले में हम अपनी कॉमोडिटी या अपनी सर्विस को कोई भी टाइम या कोई भी प्लेस के ऊपर, चाहे इंडिया के अंदर हम इंडिया के अंदर गुजरात में है या राजस्थान में है या महाराष्ट्र में है, कोई भी कंट्री के अंदर जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी है कोई भी मीडियम की, जिसके ऊपर कोई डाउट ना हो, कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो सभी मनी है। और मनी के शॉर्ट में अगर डेफिनेशन बोलता हूँ, मनी इज व्हाट मनी डस, मनी का जो काम करे वो मनी। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्टसन ने जो डेफिनेशन दी 1 मार्क्स के अंदर भी वो पूछी जाती है हर एक को, फिर से अलर्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट और हाईलाइट दिस। व्हाइल रॉबर्टसन डिफाइन मनी व्हाट व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, यानी पूरे यूनिवर्स में जो एक्सेप्टेड है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दस इट इज कॉल्ड मनी। जो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एक्सचेंज और गुड्स और सर्विस की, वो हम मनी के उसको डिफाइन कर सकते हैं। दस दैट विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मनी इज कॉल्ड मनी, जो मनी का काम करे वो मनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स फंक्शन, फंक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। मनी इज अ स्टोर वैल्यू, स्टोर कर सकते हैं वैल्यू का मनी के, बराबर है। अगर पहले के जमाने में हम बोले तो बहुत सारे लिमिटेशन हमने देखे, पेरिसेबल कॉमोडिटी आर नॉट बी स्टोर्ड, उनके जो पेरिसेबिलिटी क्वालिटी है उनसे हमारी जो स्टोर वैल्यू थी कॉमोडिटी वो कम होती जाती है। तो मनी इज अ स्टोर वैल्यू, अनदर फंक्शन ऑफ द मनी इज, मनी इज अ स्टोर वैल्यू। फर्स्ट फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हम अपने कोई भी गुड्स और सर्विस इजिली एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट वी लर्न। सेकंड, मनी इज अ स्टोर वैल्यू। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू को मेजर करने के लिए भी मनी इंपॉर्टेंट है। मनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज ए मेजर ऑफ द रोल बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, इट वॉज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट एंड द वैल्यू ईच ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर 20 kg ऑफ द व्हाट इक्वल टू हाउ मच द घी एंड राइस इज वॉट एवर इक्वल टू हाउ मच द मीटर ऑफ क्लोथ, बट नाउ इन 20 kg देर इज अ प्रॉपर मीडियम इज देयर। If we want to 1 liter petrol, then we have 80 rupees. So 80 rupees equal to 1 liter. That is the major value of commodities. So these are very very important function. So these three are very very important, very very important function for you. And it may be in section E. So you mark it important. Now in section B, you have been asked very very important types of money. State the types of money. First, commodity money. एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, बैंकिंग मनी दैट इज इनविजिबल और ई मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वन इज ई मनी, इनविजिबल मनी दैट इज कॉल्ड बैंकिंग मनी। आई रिपीट अगेन, यू मार्क इट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट इट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। कॉमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, वॉट आर द टाइप्स ऑफ मनी, दिस आर इन योर स्क्रीन। नाउ सेकंड पॉइंट इज फॉर यू दैट इज मीनिंग ऑफ That is meaning of inflation. Inflation क्या है, inflation को कैसे हम define करेंगे, define की जो definition है काफी important है और उनके characteristics भी काफी important है। तो सबसे पहले हम उनकी definition के ऊपर जाते हैं। लर्नर ने जो बोला है, situation excess demand over the supply of the goods। उनके जो definition के अंदर जो बात हुई है, उन्होंने ऐसा बोला है कि money जो है वो आपके पास ज्यादा है और अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे उनके सामने, अगर सप्लाई आपका कम है तो इनिशियली प्राइस राइज होगी, जो प्राइस राइज होगी दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन।
According to Pigou, inflation is said to occur when the monetary income rises faster than the real income. Monetary value अगर आपकी ज्यादा आगे बढ़ रही है आपकी real income से, यानी आपकी purchasing power अगर ज्यादा बढ़ रही है और सामने आपकी जो real income है वो कम हो रही है, तो भी आपकी demand बढ़ने से commodity इतनी fast growing नहीं होगी, तो भी price rise होगी और price rise ultimately converted into inflation. Very very important in section B, characteristics of inflation. There are 6 points are there. First, constant price rise in all sector, purchasing power will decrease, rise in price level after full implementing inflation. हर एक को रोजगारी मिलती है तो इनिशियली जेब में पैसे आते हैं तो वो डिमांड करेंगे और सामने हमारे पास सप्लाई नहीं है तो प्राइस राइज होगी और जहां जहां प्राइस राइज हुई वहां इन्फ्लेशन है. हर एक लेवल में प्राइस बढ़नी चाहिए और कॉन्स्टेंट प्राइस बढ़नी चाहिए, हर एक सेक्टर में बढ़नी चाहिए. और जब प्राइस बढ़ती है तो मनी की वैल्यू कम होती है क्योंकि हमारा परचेसिंग पावर, मनी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है. अब दूसरा, उन डेफिनेशन के हिसाब से दूसरे पॉइंट भी है जो हमने ध्यान में लेने पड़ेंगे. फर्स्ट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी अगर गवर्नमेंट कॉमोडिटी के ऊपर प्रेशर करके आर्टिफिशियली अगर भाव ऊपर चल रहा है, बढ़ रहा है, अगर उसके ऊपर दबाव डाले, इफ द गवर्नमेंट कंपल्सरली प्रेशर ऑन द प्राइस, इट इज नॉट सेज डेट प्राइस इज नॉट राइज बट इट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. ऊपर से प्रेशर है और प्रेशर से भाव अपने जो कॉमोडिटी के है प्राइस रेट कम हो रहे हैं, मगर एक्चुअली इट इज इन्फ्लेशन बट इट इज कॉल्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. एंड इफ इकोनॉमी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम, अगर शॉर्ट पीरियड के अंदर प्राइस अगर इंक्रीज होगी, इट इज नॉट नोन एज ए इन्फ्लेशन. व्हेन सम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज अ प्राइस राइज, देन प्रोड्यूसर गेट एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी गेट्स बूस्ट एंड फास्टर. ये सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर. अब दूसरे पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी रीजन से इन्फ्लेशन हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर थ्री बेसिक पॉइंट, इंक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन. ये तीन जो रीजन है उनसे एक दूसरा हमें रीजन भी मिलता है, डेट इज अदर रीजन. और अदर रीजन के अंदर तीन रीजन है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे रीजन के अंदर इंक्रीज इन द डिमांड, देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड. अगर डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा होने से अगर प्राइस राइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. आई रिपीट अगेन, कीप इन माइंड दैट ऑल, इफ द प्राइस इज राइज ड्यू टू डिमांड, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, उसका एक रीजन है डिमांड. अगर जेब में पैसे ज्यादा है तो हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाके डिमांड करेंगे. अब डिमांड करेंगे मगर सामने हमारे पास इनकम तो बहुत है, मगर सामने सप्लायर के पास प्रोडक्शन नहीं है, स्टॉक नहीं है, वो अच्छी तरह से स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे डिमांड के हिसाब से वो हमें सप्लाई नहीं दे रहे, तो क्या होगा, हम ज्यादा पैसे देके भी वो हमारे पास जो नहीं है वो कमोडिटी परचेस करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. हम डिमांड करके पैसे आपके पास है, उसको जोर लगा के भी हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और पैसे हम ज्यादा देंगे कि हमारे पास ये कमोडिटी नहीं है, मार्केट में नहीं मिल रही है, कहीं से भी लाओ, अगर नहीं है तो हम ज्यादा पैसे देने के लिए है. तो ये ज्यादा पैसे देने की बात आई, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू इंक्रीज डिमांड प्राइस विल बी गो अप. जो ट्रेडर होंगे वो भी पक्के है, वो भी समझेंगे कि उसके पास पैसे ज्यादा है, चलो धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते हैं. तो मार्केट में इट इज क्रंचिंग कंडीशन फॉर द मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल, कि उनके पास अगर पैसे है फिर भी उनकी जो परचेसिंग पावर है वो डाउन हो रही है. क्यों? क्योंकि जो अपर क्लास वाले है वो ज्यादा पैसे देकर कॉमोडिटी को परचेस कर रहे हैं. इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इन शॉर्ट आंसर देयर इज वन ऑल्सो, वॉट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सेकंड, इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग डिमांड जो बढ़ेगी, उनके तीन रीजन है. हमारी डिमांड क्यों बढ़ती है, हमारी जेब में पैसे ज्यादा है तो प्राइस कम होती है, तो कौन से रीजन है? तो फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब जो नॉट, करेंसी की नॉट है वो अगर ज्यादा हो रही है, यानी आपको जो फोर्स ऑफ फैक्टर है लैंड लेबर इंटरप्रेन कैपिटल को, वो अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए जो लेबर पूरी इकोनॉमी के अंदर डाल रहे हैं उनका रिवॉर्ड उनको ज्यादा मिल रहा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते जाएंगे. अगर जितने पैसे उनके हाथ में ज्यादा आने लगे उतनी वो डिमांड करेंगे. अकॉर्डिंग टू देम, इफ
there is an increase in the money in the state. The individuals earn more income because of which the demands of necessities increasing. यानी उसके हाथ में पैसे आएंगे तो वो इनिशियली मार्केट में जाके डिमांड करेंगे बेसिक कॉमोडिटी की, डिमांड करेंगे सर्विस की, डिमांड करेंगे लग्जरियस कॉमोडिटी की, डिमांड करेंगे. अगेंस्ट द इंक्रीजिंग द डिमांड सप्लाई रिमेन स्टेडी. वो तो डिमांड करेंगे, सप्लाई तो इतना हो है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो वो प्रोडक्शन करने के टाइम वो लेंगे ज्यादा, और जब तक प्रोडक्शन होगा सप्लाई मार्केट में आएगा तब तक तो वो डिमांड करते ही जाएंगे, तो इनिशियली प्राइस बढ़ने वाली है. सेकंड, यानी मनी अगर आपके जेब में ज्यादा है, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, सप्लाई के मनी के सप्लाई अगर हाथ में ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा पैसे के खर्च करने के लिए सोचोगे, और उतनी हमारे पास अगर स्टॉक नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस राइज होने के चांसेस है. ज्यादा अगर पैसे है जेब में तो ज्यादा हम खर्च करके भी कहीं से भी वो प्रोडक्ट को लेंगे. सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल play for the unemployment problem. Unemployment को दूर करने के लिए government बहुत सारे अपने program, अपने plan economy के अंदर कर रही है, बहुत सारे industries को बढ़ावा दे रही है, बहुत सारे productive tools को implement कर रही है, installing infrastructure facility, provision of the basic utilities, providing employment. This all are increased the supply of money in the economy. अगर एक यूनिट को स्टार्ट करे तो यूनिट के अंदर सभी लैंड लेबर इंटरप्रेटर कैपिटल को बुलाने पड़ेंगे. वो ऐसे नहीं हाथ हिलाने के लिए आएंगे, वो पैसे मांगेंगे. दे वांट वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, देन दे आर गोइंग टू प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्शन वो कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए उनके हाथ में पैसे होने चाहिए. पैसे किसको देने हैं? फोर्स ऑफ फैक्टर को. अगर फोर्स ऑफ फैक्टर पैसे देंगे, दैट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी. जो पहले ऐसे हाथ हिलाते हुए बैठे थे, घर पे बैठे रहे थे, दोस वर अनएम्प्लॉयड, दोस वर वर्कआउट पर्सन, दे गेट वर्क एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट हैव प्रोवाइड सो मेनी फैसिलिटीज, सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड प्रोडक्शन आर ऑल्सो देयर. विद द हेल्प ऑफ दिस गवर्नमेंट have to provide wages, rent, interest and profit to the employer. So government expenditure leads increasing the supply of money. That why excess amount those who are earning from the employee they can get and they demand in the market. Jo pehle ki demand thi wo badh gayi hai, supply remains steady and there is a price rise. So these are the another point. Now third point of इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसके तीन पॉइंट है एबीसी, उसके हम सब पॉइंट की हमें डिस्कशन कर रहे हैं. मेन तो टू ही पॉइंट है इन्फ्लेशन के, फर्स्ट इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीज क्यों हो रही है डिमांड हमारी. थर्ड इज ओवर पॉपुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्क इट और हाईलाइट इट इन वन सेंटेंस और एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, नोटबुक में नोट डाउन करे. इन इंडिया देर इज 2% एनुअल इनकम इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, 2% एनुअल इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन. अब इनिशियली अगर वो इंक्रीज होगी तो डिमांड इंडिविजुअल की बढ़ेगी, इंक्रीज पॉपुलेशन होगी डायरेक्टली इंक्रीज डिमांड पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या फिर अपने इनसफिशियंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो जो उनकी कॉमोडिटी के हिसाब से वो आगे जा रहे हैं, अपने सर्विस को देने के लिए जा रहे हैं, लग्जरियस कॉमोडिटी को लेने के लिए जा रहे हैं, तो इनके सामने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड द सप्लाई रिमेन स्टेडी. उनके पास इतना सप्लाई नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर प्रोडक्शन होने के बाद वो सप्लाई मार्केट में आते हैं, तो जो गैप होता है वो गैप के अंदर प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे. तो हमारा जो सप्लायर फोर्स ऑफ वर्क है वो ज्यादा है, मगर फिर भी जो पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो 2% एनुअली इंक्रीज हो रही है. दैट वाई इंक्रीज इन द प्राइस एंड दैट इज वाई इन्फ्लेशन ड्यू टू डिमांड फैक्टर. सेकंड पॉइंट ऑफ दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो भी इन्फ्लेशन के चांसेस से इंक्रीज होगी प्राइस. देर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट, वर्कर्स वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन. देर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट कॉस्ट इन्फ्लेशन. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ रहे हैं, पहले जो दो तीन चार
साल के पहले जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रेट थे वो अब नहीं रहे, वो बढ़ रहे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रेट की। और वेजेस जो पहले हम 10 साल पहले कमा रहे थे वही वेजेस पे नहीं, उनकी भी वेजेस हर साल बढ़ती रहती, इंक्रीमेंट होते रहते हैं एम्प्लॉय के। तो ऐसी कंडीशन से जो भी खर्च ज्यादा होंगे प्रोडक्शन के ऊपर वो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे प्राइस के ऊपर। पहले 60 रुपीज पर लीटर भी पेट्रोल मिलता था, अब 80 रुपीज और 90 रुपीज के बीच पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। व्हाई? ड्यू टू सो मेनी फैक्टर रीजन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ इंक्रीज देन इट विल बी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्राइस, सो प्राइस इज इंक्रीज देयर इज इन्फ्लेशन। नाउ सेकंड एंड सॉरी लास्ट एंड थर्ड फैक्टर अदर रीजंस। अदर रीजन है इंक्रीज इन द डिमांड एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन आर द टू मेन फैक्टर, बट अदर रीजन इज फर्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स एंड थर्ड इज स्कैर्सिटी। आगे मैंने बोला था कि ये सभी पॉइंट को कैसे याद रखना है, उनके लिए कौन सी ट्रिक है, वो ट्रिक अब 2 या 3 या 4 मिनट में आपके सामने पेश होगी। तो अच्छी तरह से आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखो, अभी हम रिवीजन राउंड के अंदर नहीं है, ये तो सिर्फ आगे जो हमने पढ़ा था वो ही है, सिर्फ डाउट या आपके जो क्वेरी थे वो हम सॉल्व करने के लिए पूरा सेशन ले रहे हैं। तो टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी डायरेक्ट इफेक्ट करेगी हमारी इन्फ्लेशन के रेट को। The taxation policy of the government causes inflation. The high increase in the tax rates increase the production cost. अगर tax हम hike करेंगे तो cost of production ज्यादा होगी। आप देख सकते हो GST, state GST, central GST जो भी लगते हैं उसके ऊपर direct price affected है, price उनकी बढ़ जाती है और उनसे हमारा inflation बढ़ सकता है। Sales tax निकाल दिए, जीएसटी सीएसटी जो हमारे अगले नेक्स्ट बजट के चैप्टर में पढ़ेंगे डीप में, मगर आपको पता है कि वो जीएसटी सीएसटी से भी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी एंड इट लीड्स इन्फ्लेशन आल्सो। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स, हमारी 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम सप्लाई करते बाहर से, अगर उनके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनकी इफेक्ट डायरेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर होती है। क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस जो प्लस माइनस होती है ड्यू टू सम इंपोर्ट्स गुड्स एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी बाय द अदर्स कंट्री वी हैव टू इफेक्टेड वी हैव टू फॉलो सॉरी अगर वो हमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से फॉलो करने को बोलेंगे वो हम करेंगे ही करेंगे। तो दीस आर द इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स बाय ड्यू टू इंक्रीज इन द अदर कंट्रीज प्राइस इन द मार्केट सो दैट इट विल बी इंक्रीज इन अवर कंट्री। थर्ड पॉइंट इज स्कैर्सिटी, व्हेन देयर इज अ स्कैर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी एनी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, यानी जो हमारी डिमांड है रॉ मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन करने की बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर उनकी स्कैर्सिटी है, अगर पूरे हफ्ते में एक दिन स्टैगरिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमें एक साथ 2-3 बार जाना पड़ता है, ऐसे स्कैर्सिटी है और फिर भी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे, ऐसे अगर लॉन्ग टाइम हुआ लॉन्ग पीरियड के अंदर हुआ तो प्रोडक्शन और इज एक्सटेंसिव इज नेचुरली इट ओनली कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड जो बढ़ रही है उनके सामने हम सप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ प्रोडक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बिना प्रोडक्शन नहीं होगा और उनकी स्कैर्सिटी है तो प्रोडक्शन अगर रुका हुआ है, मार्केट में डिमांड हो रही है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो जो भी अपर क्लास वाले होंगे या जिनके पास ज्यादा पैसे है वो ज्यादा दाम देके भी वो कॉमोडिटी को हासिल करेंगे ही करेंगे और अपने जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा अप जाएगा मार्केट और मार्केट के अंदर पूरा इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये हमने चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया और दूसरा जो भी हमारा चैप्टर था वो चैप्टर के अंदर हमने जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसके बाद जो भी हमारा इन्फ्लेशन का जो कंप्लीट हुआ था वो हमने आपको दिखाया। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन राउंड को, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन है आपके लिए, और क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के अंदर 100% आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें करना है ये सब कुछ। तो अब इकोनॉमिक्स राउंड, इकोनॉमिक्स रिवीजन राउंड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट बातें अब डिस्कस होगी, कैसे हमें याद रखने क्वेश्चन को, कौन सी ट्रिक है लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखने के लिए, पॉइंट कैसे हम याद रखें। तो हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं और बाकी जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो आप नोट डाउन कर देना नोटबुक के अंदर, ताकि आपका थोड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर थर्ड चैप्टर कॉन्क्रीट पावरफुल हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, आईसीडी को फॉर यू आपका फिर से स्वागत कर रही है
और आपको रिवीजन राउंड के अंदर ला रही है, कोई भी डाउट है आपके स्क्रीन के ऊपर ये नंबर है मेरा, आप यू कैन डायरेक्ट कॉल मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई रिपीट अगेन, नाउ स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन विथ एमसीक्यू। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के है। हु गिव द डेफिनेशन, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इज मनी। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो आंसर है रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने अपनी डेफिनेशन दी है इस तरह से। तो एमसीक्यू के अंदर आपको आ सकता है मार्शल, केन्स, पिगू, रॉबर्टसन, तो सही आंसर होगा रॉबर्टसन। ये आपको जुलाई 2018 में पूछा गया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड वेयर देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होगा उनको क्या कहेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड। ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर देना, पोस्ट करके भी आप नोट डाउन कर लेना, और उनके आंसर के बाजू में बोर्ड के क्वेश्चन है ऐसा लिखना। ये आपको मार्च 2018 में पूछा गया था इसी क्वेश्चन का। नाउ सम ऑफ द अदर एग्जांपल, सम ऑफ द अदर सॉरी क्वेश्चन आर देयर, प्लीज नोट डाउन। आई रिपीट टू टाइम्स, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर दिस, और इफ यू आर नॉट एबल टू यू कैन पॉज इट वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट इज, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द गवर्नमेंट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन बाय रूल्स और लॉ। आई रिपीट अगेन, What is the types of inflation? What is the types of inflation? I repeat again, what is the types of inflation when the government control, when the government controls inflation via rules or law? When the government controls inflation via rules or laws? क्या आंसर हो सकता है? What is the type of inflation when the government controls inflation via rules or law? Option आपको मैं देता हूं, open, demand pull, suppressed या hidden. Demand pull आपके सामने है तो second बचा वो suppressed, right? तो suppressed inflation सही आंसर है, suppressed inflation सही आंसर है. Now which economist believe that the true inflation is caused when there is rise in price even when there is full employment. ये किसने बताई गई थी बात कि employment full होगा उसके बाद जिसको अपने जेब में पैसे मिलेंगे वो पैसे से फिर से demand करेंगे, ये बात किसने बताई थी? Marshall ने, Crowther ने, Keynes ने या Pigou ने? I repeat again, which economist believe that the true inflation is caused, note down in your notebook, which economists believe that the true inflation is caused when there is rise in price even when there is full employment. कौन से economist ने ये बात बताई है? Which economist believe that the true inflation caused when there is rise in price even when there is full employment? Marshall, Crowther, Keynes या Pigou? Your answer is Keynes. ने बात बताई गई। नाउ वेरी इजी फॉर यू, डिक्टेट नाउ, वेरी इजी, नोट डाउन इन योर नोटबुक। व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ क्लोथ। आई रिपीट अगेन, फिर से आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, नोट डाउन। व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड दैट अलाउज exchange of rice instead of clothes? Very easy for you. I hope you all give this answer. Monetary system, banking system, barter system or loan system? That is barter system. I repeat again, that is barter system. Now few questions are also for MCQ for the you. Which of the following is oldest form of money? Which of the following is oldest form of the money? I repeat last time, which of the following is the oldest form of money? Yani इनमें से कौन से सबसे पुराने money है? Symbolic money, banking money, commodity money, metal money. I repeat again, symbolic, banking, commodity, metal, ये चारों में से सबसे पुराना money कौन है? Yes, your answer is right. It may be wrong you. Commodity money.
राइट आंसर इज कॉमोडिटी मनी, जो हम एनिमल का यूज करते रहे, काव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मनी, सो जो हमारे काव जो है एनिमल वो एक्सेप्टेड मनी था. सेकंड एंड लास्ट ऑफ एमसीक्यू एज पर माई इंपॉर्टेंस नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, ओवर पॉपुलेशन और स्कैर्सिटी. मेन कॉज क्या है इन्फ्लेशन का, मेन रीजन कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, ओवर पॉपुलेशन और स्कैर्सिटी. सो आंसर इज इंक्रीज इन डिमांड. अगर डिमांड ज्यादा है तो हम सप्लाई के बारे में सोच सकते हैं, और अगर सप्लाई कम है मार्केट के अंदर तो फिर उनकी प्राइस बढ़ने के चांसेस है. तो डिमांड इज द फर्स्ट रीजन. नाउ वी कम्स इन ऑन दिस स्लाइड, वन लाइनर क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम के अंदर वन लाइनर के कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से अभी तक नहीं लिए गए, मगर जो हमें इंपॉर्टेंट लगे है वो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है. इन इंडिया विच एनिमल वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज ए वैल्यू ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट इज काउ. Everyone note down in your notebook, pause it and note down, it is very very important in your economics notebook of 200 pages that I instruct you. State the definition of money given by Robertson, very very important. MCQ ke andar bhi aaye, 1 marks ke andar bhi hum dekh rahe. Robertson defined money as a what is accepted universally in exchange of goods and service, that is called money. Jo universally accepted without any investigation, we can get good and services, it is as a exchange of the media, it is called money. State the types of money. First, commodity money, animal money, metal money, paper money, plastic money. In terms of which type of plastic here mentioned, that is debit card and credit card, it is one type of money. And banking money, that is NEFT, RTGS, core, these all are the now modern techniques of money. We can buy so many commodity online, and we can see that online payment are also there. We have to just provide them our account number and some of the data, then it is automatically deducted from our account. That is called banking money. Now, for section C and D, before section C and D we start, there are some other question are there that is very important for us. State the definition of inflation given by AP Learner. Write down all. State the definition of inflation given by AP Learner. I repeat again. Please write down all in your notebook. State the definition of inflation given by AP Learner. AP Learner ne definition kya di hai? To AP Learner ki definition, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. A situation of excess demand. हमारी डिमांड ज्यादा होगी किसके ऊपर? ओवर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कॉमोडिटी. सप्लाई जो है हमारा कॉमोडिटी सर्विस का, उनसे ज्यादा अगर हमारी डिमांड है, दैट इज द वन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट सो मेनी क्वेश्चन आंसर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी और डी. सी और डी के लिए सेक्शन 2 और 3 मार्क्स के लिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे. कैसे हमें याद रखें सभी पॉइंट को? तो स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. यू मार्क इट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. नोट डाउन योर नोटबुक एंड मार्क इन मार्च 2019 के टेक्स्ट बुक के अंदर, सॉरी पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन. सो हियर देयर आर 6 पॉइंट ऑफ दैट. कॉन्स्टेंट प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स, परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइज इन प्राइस लेवल, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो देयर एंड शॉर्टर पीरियड इन इज नॉट इंक्लूडिंग. हमने जब आगे के डिस्कशन किए तब ये 6 पॉइंट को अच्छी तरह से डिस्कस किए थे. ये 6 पॉइंट के पॉइंट है, उनके अंदर कुछ डीप में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेक्शन सी के अंदर इतने पॉइंट लिखने हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, मगर कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अगर बात करें कैसे उसको हम याद रखें, तो डबल पी डबल एस और सी ए बन जाओ. आई रिपीट अगेन. नोट डाउन इन योर नोटबुक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी ट्रिकी.
डबल पी डबल एस और सी ए बन जाओ। डबल पी किसका है, आई रिपीट सी ऑल हियर, डबल पी, डबल पी यानी प्राइस और परचेसिंग का डबल पी, और डबल एस किसका है, एस फॉर सप्रेस्ड एंड शॉर्टर, सप्रेस्ड और शॉर्टर दो पॉइंट याद रखना है, प्राइस और सी ए बन जाना है, सी ए यानी यहाँ पे सी का कॉन्स्टेंट वैल्यू का सी, और ए यानी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। इतने बात दिमाग में रखोगे, सिक्स पॉइंट आपके जेब में, आपके जेब में अगर छह पॉइंट आ गए, मानो आपका बेड़ा पार हो गया, आप छह में से तीन में से तीन मार्क्स गेन कर पाओगे। आई रिपीट अगेन, क्या करना है पॉइंट को याद रखने के लिए, डबल पी डबल एस सी ए, राइट, डबल पी डबल एस सी ए, बोलो मेरे साथ तीन बार, डबल पी डबल एस सी ए, यस, रिपीट अगेन, डबल पी डबल एस सी ए, रिपीट अगेन, डबल पी डबल एस सी ए, डबल पी विच टाइप, डबल पी that is price rise in all sectors, second P purchasing power of money decreases, then double S, S that is suppressed inflation is also there, and S that is shorter period of including is not including, यानी short period के अंदर price अगर rise होगी तो हम ध्यान में लेंगे नहीं है, और C A का मतलब C that is constant rise in the price, और A का मतलब है after full employment rise in price table। तो ये अच्छी तरह से दिमाग में सेट ही कर दो, अपनी नोटबुक के बाजू में लिखी दो कि स्टेट द कैरेक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज डबल पी डबल एस सी ए बन जाओ, डबल पी डबल एस सी ए बन जाओ, डबल पी डबल एस सी ए बन जाओ। अब दूसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, मनी की डेफिनेशन और उनके जो फंक्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है सी और डी के लिए, और उनको याद रखने की हमने ट्रिक आपके ब्रैकेट में लिखी हुई। आपको लगा होगा कि ये क्या कर दिया, यहाँ पे क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ई एक्स एम यानी एग्जाम जैसा कुछ हमें दिख रहा है, एग्जाम जो आपको नहीं अच्छी लगती, हमें भी अच्छी लगती है मगर आपको नहीं लगती, तो एग्जाम एक वर्ड यहां से लाने, एक्स एम यानी एग्जाम, एग्जाम को स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेगा, क्या बोलना है, एग्जाम को स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेगा। ये किसका शॉर्ट पॉइंट बनाया हमने, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, हम मनी के फंक्शन को अच्छी तरह से याद रखने की ये शॉर्ट की बना रहे हैं, कौन सी, एग्जाम को स्टोर करो, एग्जाम अच्छी तरह से स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको, अच्छे स्टैंडर्ड मिलेंगे, एग्जाम को स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेंगे। रिपीट करो दो तीन बार, मनी ऑफ सॉरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, एग्जाम को स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेंगे, रिपीट अगेन, एग्जाम को स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेंगे, रिपीट अगेन, एग्जाम को स्टोर करो तो स्टैंडर्ड मिलेंगे। दिस आर द वन ऑफ द ट्रिकी पॉइंट टू रिमेंबर योर पॉइंट। एक्स ई एक्स क्या है, सबसे पहले ई एक्स हम देखेंगे, तो ई एक्स यानी एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ मनी के एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के फंक्शन फर्स्ट फंक्शन क्या है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यहां से हमने ई एक्स लिया है, और एम कहां से लिया है, यहां है मेजर का एम है, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू यानी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, और फिर स्टोर, स्टोर करो, स्टोर यानी ये स्टोर है, यहां से ये पॉइंट हमने पकड़ा है, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट एक्सचेंज, सेकंड पॉइंट एम दैट इज कॉल्ड मेजर, थर्ड पॉइंट स्टोर यानी स्टोर करोगे, एसटीडी यानी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, चार पॉइंट दिमाग में सेट हो गए पूरी तरह से। मैंने आगे भी बोला है अगर दिमाग में अच्छी तरह से चारों पॉइंट कैसे याद रखना है, ये मेथड आपके दिमाग में सेट हो गई, तो फिर आपको अंदर क्या लिखना है वो तो आप खुद जानते ही हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ ही जाएंगे ये पॉइंट क्या है, अंदर क्या लिखना है वो हमें टेंशन नहीं है, पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दिमाग में पॉइंट सेट हो गया तो आप जीत गए इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये अगर वीडियो दो तीन बार देखे, ये अगर तीन चार बार आपने डिक्टेट किया, नोट डाउन कर दिया, लिख दिया, वही हम दिमाग में रखते हैं, एग्जाम को स्टोर करो स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड मिलेगा, ऐसा हमने दो तीन बार बोल दिया हर वक्त, तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन ब्रीफ, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो फर्स्ट इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने के लिए उनका काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द मेन फंक्शन ऑफ द मनी इज टू फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, एंड पर्सन कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी एंड सेटिस्फाइड हिज वांट बाय बाइंग व्हाट ही वांट्स, अ फैक्ट्री वर्कर गेट्स वेजेस अगेंस्ट हिज सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी, देन ही बाइज गुड्स फ्रॉम द मार्केट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हैज रिमूव्ड द इनकन्वीनियंसी ऑफ द डबल कोइंसिडेंसी ऑफ द वांट्स इन द बार्टर सिस्टम्स, राइट, दिस पॉइंट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड,
as a measure of the value. As a measure of the value means the invention of the money has removed the difficulty of the barter system. Barter system की जो difficulty थी वो money के invention से दूर हुई. In which there are many values in terms of commodities. Money is a measure rod of all values, all commodities and service. As a value are expressed in the money, every commodity has its value expressed in money and for all individuals. The value would be the same somewhere. The measure rods itself, money should remain stable. तो हर एक की price हो गई, हर एक service कितने में मिल रही है, हर एक commodity कितने मिल रही है, it is easily nowadays. Now third point is As a store value. Value of goods can be stored in forms of money. Money does not get rotten and perishable commodity. Keep in mind that very, very important sentence is that money does not get rotten as a perishable commodity do so. जो हमने गेहूं की बात की थी, टोमेटो की बात की थी, जो दिस आर पेरिसेबल कॉमोडिटी, एक दो तीन के अंदर वो सड़ जाएगी तो उनकी जो स्टोर वैल्यू वो जीरो बन जाएगी. इट विल नॉट हेल्प टू एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज. इट कैन नॉट ओनली बी स्टोर्ड बट ऑल्सो ट्रांसफर्ड इजिली फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. इट कैन बी यूज इन फ्यूचर. मनी कैन बी स्टोर्ड विथ व्यू टू बाइंग समथिंग विच मे बी चीपियर टू बाय इन फ्यूचर. Inconveniency of the barter system is removed by inventory of money. अगर हम सोचते हैं कि दो साल के बाद इस commodity की प्राइस कम होने वाली है तो यहाँ हम रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, हम परचेस नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज मनी इज नॉट mortal. मनी इज स्टोरेबल. फ्यूचर में प्राइस कम होगी, हम फटाक से वहां जाके ये परचेस कर लेंगे. ये हमारा स्टोर वैल्यू हुआ. एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट का मतलब कि अगर हम कोई लोन लेते हैं तो लोन के बदले में हमें जो इंस्टॉलमेंट पे करने हैं वो पॉसिबल हुआ. क्यों? इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफर्ड पेमेंट ड्यू टू ओनली एंड ओनली इन्वेंशन ऑफ मनी. बिकॉज डिफर्ड पेमेंट आर दोस विच आर टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट्स एज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन द मनी. डेब्ट कैन बी इजीली सेटल्ड थ्रू मनी. इवन ड्यूरेबल गुड्स डिपेंड ओवर द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम. देयर फॉर इट repayment is to be made in such goods. The original lender would be at the disadvantages as they would get displaced asset. Since money is considered to be stable in the value, its use as a standard of deferred payment is widely. Yani, money is a matter of four function: medium, measure, standard and store. Yani, exam ko store karo to standard milega, unka short. हमने एक्सचेंज, मेजर, स्टोर एंड डिफर्ड पेमेंट, ये चारों को मिला के कर दिया है. नाउ सेकंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मनी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी. यानी उनका उद्भव कहाँ हो, उत्पत्ति स्थान कौन सा है उनका, और वो कैसे कैसे इवेल्यूट होके आगे बढ़े. हमने आगे देखा एनिमल को पहले हमने दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. हम लेन देन करते थे, फार्मर फार्मिंग करते थे, और बेसिकली काउ, बफेलो, दीज आर द एनिमल्स मीन ऑफ एक्सेस ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विसेज. देन आफ्टर द लिमिटेशंस ऑफ द एनिमल्स आल्सो, इट नॉट इमॉर्टल, दे आर डाई, दे सीक, एंड इट इज वेरी हार्ड टू ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दीज आर कन्वर्ट इन टू प्रीशियस स्टोन्स, मिलियन स्टोन्स. स्टोन्स की जो इम्पायर थे, जो राजा रजवाड़ा थे, वो स्टोन्स का यूज करते. देन आफ्टर देर आर ऑल्सो लिमिटेशन बाय इट इज ऑनली फॉर सम ऑफ द रीजन और सम ऑफ द स्टेट और सम ऑफ द सिटी और सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. दिस टाइप ऑफ स्टोन आर यूज, बट इफ दे वॉन्ट टू यूनिवर्सली इट नॉट एक्सेप्टेबल. सो कॉइन्स आर गेटिंग देयर फॉल्स. कॉइन्स धीरे धीरे बढ़े. कॉइन्स के बाद उनकी लिमिटेशन हुई संभालने के लिए, काफी वीक हुआ. तो फिर करेंसी नोट्स आई, 500, 1000, 2000, 10, 20, एंड देन मॉडर्न मनी. दैट इज मॉडर्न मनी इन टर्म्स ऑफ ई मनी और इनविजिबल मनी और प्लास्टिक मनी. दीस आर द फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन परचेस, ऑनलाइन डेबिट, ऑनलाइन सेलिंग, एंड सो मेनी सीओआरई कोर सिस्टम आर ऑल्सो अवेलेबल इन द बैंकिंग सिस्टम. Some NEFT systems, some RTGS systems, these all are very helpful to evaluate our money. Now, asset type questions, very very important for section E. 5 marks ke liye, dhyan mein rakhna, 5 marks ke agar point aapke haath mein hai,
तो आपके पांच में से चार तो सही ही सही होंगे, पॉइंट अगर हाथ में है तो। और पॉइंट को कैसे याद रखने हैं वो ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर, ताकि आपके पूरे चैप्टर के मार्क अच्छी तरह से आपको स्कोर करने में हेल्प करे। तो डिफाइन वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, वाटर सिस्टम की लिमिटेशंस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2019 में आपको पूछा गया था, इन 2019 इन मार्च बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आर देयर डिफाइन वाटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ द वाटर सिस्टम। डेफिनेशन काफी इजी है, एक्सचेंज द गुड्स अगेंस्ट सर्विस एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड गुड्स अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज ऑफ सम ऑफ द मीडिया इज नॉट देयर, सो इट इज वाटर सिस्टम। एक चीज के बदले में दूसरी चीज, एक सर्विस के बदले में दूसरी सर्विस, सर्विस के बदले में चीज हम देते, इट इज वन टाइप ऑफ वाटर सिस्टम। अब ये डबल ए बी ट्रिपल डिफिकल्टी ये कुछ आपको नजर आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर सिस्टम भी ऐसा ही है, डिफिकल्ट है वाटर सिस्टम यानी डिफिकल्ट, ये दिमाग में रखना, तो ये पॉइंट अपने आप सेट होगा। डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, रिपीट अगेन विथ मी, डबल एब्सेंस ट्रिपल डिफिकल्टी। डबल एब्सेंस यानी आप एब्सेंस ज्यादा रहोगे तो आपको बोर्ड में डिफिकल्टी ज्यादा रहेगी। ये हमारा सिर्फ एक क्या जिसे हम याद रखने की ट्रिक बोलते हैं कि अगर हम डबल टाइम एब्सेंस रहे तो बोर्ड में ट्रिपल टाइम डिफिकल्टी होगी। डबल एब्सेंस ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल क्या है, डबल यानी ये वन वर्ड आप ढूंढ रहे हो, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस यानी प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। डबल ये डबल हुआ, और डबल में डबल ए बी है, डबल ए बी यानी ये एक ए बी और ये दूसरा ए बी, रिपीट अगेन। डबल ए बी यानी एब्सेंट तो हमने ऐसा ही बोल दिया था, मगर ए बी का मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट अकाउंट, ये दोनों एब्सेंस में आए। और ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल से ट्रिपल हो गए, डिफिकल्टी ट्रिपल है, और डिफिकल्टी के अंदर डी है तो ये डी हम याद रखेंगे, डिफर का। और डिफिकल्टी के अंदर स्टोरिंग और डिफिकल्टी के अंदर इन इवेजिबिलिटी भी है, यानी ये तीन डिफिकल्टी है, डिफर्ट स्टोरिंग और इनविजिबिलिटी, ध्यान में रखना, ये भी हम अच्छे से याद रखेंगे। डिफिकल्टी के अंदर तीन पॉइंट को कैसे याद रखना है, डिफिकल्टी के अंदर हमें डी एस आई देसी याद रखना है, हमें डी एस आई देसी, हमारा स्वदेशी यानी हमारा भारत का डिफिकल्टी देसी से हम याद रखें ये तीन पॉइंट। यहां से जो कर्सर आपको मूव करता दिखाई दे रहा है वो ध्यान में रखना है। एब्सेंट हो गए हम, एब्सेंस इन कॉमन मेजर, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट। अब डिफिकल्टी तीन है तो तीन कौन सी है, देसी है हमारी डिफिकल्टी, तीन कैसी है देसी, देसी यानी डिफॉल्ट पेमेंट का डी, एस का स्टोरिंग स्टोरिंग वैल्यू एंड हमारा इनविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। ये पांच छह पॉइंट को ऐसे हमें याद रखेंगे। डबल एब्सेंट हुए तो ट्रिपल डिफिकल्टी है, और डिफिकल्टी कैसी है, देसी है, हमारे देश की है। कैसे याद रखना है ये पॉइंट को, डबल एब्सेंट ट्रिपल डिफिकल्टी, डबल एब्सेंट यानी एब्सेंट के अंदर दो पॉइंट, डबल के अंदर एक पॉइंट, और डिफिकल्टी के तीन पॉइंट में देसी। तो फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। आप जानते हो कि अगर हमें गेहूं चाहिए, सामने वाले के पास गेहूं है तो बराबर है, चावल चाहिए सामने के पास चावल है तो बराबर है, कोइंसिडेंस अच्छी तरह से वर्क करेगा। मगर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, उनसे क्या हुआ, बहुत सारे जो वांट्स हम जो करते थे वो सामने वाले के पास नहीं है, वो गेहूं लेके आते थे हम चावल मांग रहे हैं, या हम चावल लेके जाते तो सामने वाले झूठे मांग रहे हैं, तो दिस आर नॉट पॉसिबल। सो प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट आर देयर, सो फर्स्ट लिमिटेशन इज डबल। नाउ एब्सेंस के दो एब्सेंट है जो कॉमन कॉमन है, वो है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक मेजर नहीं था, कॉमन मेजर हम जो ढूंढ रहे थे वो हमारे पास नहीं था। इन द वाटर सिस्टम देयर वॉज नो कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू कॉमोडिटी, द मेजर ऑफ द वैल्यू वो डिफर विद एवरी एक्सचेंज। एग्जाम्पल फॉर फार्मर वॉन्ट्स टू एक्सचेंज फूड ग्रेन विद द क्लोथ फ्रॉम ए फाइवर, द there would be value of food grain in terms of cloth. If he wishes to exchange food grain for the chair, there would be another value of exchange in term of chair. The value should be acceptable to both the parts depending upon the intensity of the want of other person. Exchange value would change the created difficulty in exchange. हम दो बोरी लेके जाते हैं तो दो बोरी के सामने
कितने गेहूं, दो बोरी चावल के सामने कितने गेहूं, दो बोरी तीन बोरी, यानी कॉमन वैल्यू का मेजरमेंट नहीं था। एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट अकाउंट, एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट अकाउंट के अंदर क्या है, अंडर द बार्टर सिस्टम द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन लार्ज नंबर ऑफ अदर कॉमोडिटी, देयर इज नो कॉमन यूनिट इन विच द वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट वुड बी वेरी इजी टू एक्सचेंज गुड इफ देयर इज वन यूनिट ऑफ द अकाउंट इन विच ऑल वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट वॉज नॉट सो इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं था कि हर एक का एक यूनिट हो जाए। जैसे हम एक यूनिट, यानी अगर हमें एप्पल चाहिए तो हम 100 रुपीज के अंदर तीन या चार एप्पल ला सकते हैं, इट इज अ वन यूनिक मेजर, वो ऐसा वहां पे नहीं था। अगर 100 रुपीज है और 80 रुपीज पर लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है तो वी कैन एक्सचेंज अवर मनी विद 80 रुपीज पर लीटर एंड वी कैन गेट 80 रुपीज लीटर पेट्रोल, वो वहां पे ऐसा यूनिट नहीं था। डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, डिफिकल्टी इन इनविजिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। तो स्टोरिंग वैल्यू की हमने बात आगे भी की है आपको कि सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, कैन नॉट बी कैरीड लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल, अदर पेरिसेबल, इट नॉट बी पॉसिबल एंड इट मे बी कैटल इज डाई, वेल्थ इन फॉर्म ऑफ द कैटल वुड बी डिस्ट्रॉयड, सो कॉमन कॉमोडिटी एक्सचेंज बिकम वेरी इनकन्वीनियंटली फॉर द स्टोरिंग वैल्यू। ये हमारी स्टोरिंग वैल्यू की थी। उसके बाद डिफर्ड पेमेंट, अगर हमें एक साल, दो साल, तीन साल के बाद अगर किसी को पेमेंट करने हैं, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट। हमारे सिर के ऊपर डेप्थ है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि चलो हम दो तीन साल के बाद आपको, ये हमारे पास बफेलो है, हमारे पास जो काव है वो आपको दे देंगे। इट मे बी काव एंड बफेलो हैव द मॉर्टलिटी, नॉट इमॉर्टल, दे आर मॉर्टल, दे डाई, दे सिक। तो जो डिफर्ड पेमेंट, जो हम अभी पैसे से इंस्टॉलमेंट थ्रू हम पैसे भर के जो भी करते हैं, वो वैल्यू हमारी कम हो जाती है, और वो वैल्यू अगर कम हो गई हमारी तो इट नॉट पॉसिबल वी डू अवर एनी डिफर्ड पेमेंट्स और अवर सम ऑफ द अदर पेमेंट्स। सो इट इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस बार्टर सिस्टम एंड डिफिकल्टी ऑफ इनडिवाइसिबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी को अगर डिवाइड हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल अ सेलर ऑफ अ काव वॉन्ट टू एक्सचेंज हिज काव फॉर 1000 kg ऑफ व्हीट, but the farmer has 500 kg of wheat, so exchange of 500 kg of wheat against half of a cow, not possible. ki hum gai ko aadhi bech diye aur unke paas se 500 le le, not possible. so very very important, double absent rahoge to triple difficulty hogi, aur difficulty kaisi rahegi, desi yani deferred payment, storing value and invisibility. second, define inflation and explain the causes of inflation, very 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 important for section e, 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जो मार्च 18 और जुलाई 18 के अंदर ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। डिफाइन हमने कर दी है कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और जो प्राइस बढ़ेगी वो हमारी एपी लर्नर की डेफिनेशन से हमने जो डेफिनेशन दी है, सिचुएशन ऑफ द एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और पीगो ने जो बताई गई बात है कि इन्फ्लेशन इज अ सेट टू अकर व्हेन द मॉनेटरी इनकम इज राइजेस देन रियल इनकम। रियल इनकम से अगर मॉनेटरी इनकम हमारी बढ़ जाती है तो भी हमें इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ेगा। और केंस ने जो बात की है, द रियल सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद इंक्रीज इन द मनी और इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये केंस ने बात बताई, ये तीन डेफिनेशन में से कोई भी एक या दो आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ यहां पे जो तीन पॉइंट है उसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन डिमांड, यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, नोट डाउन इन योर नोटबुक, इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर कोई सब पॉइंट नहीं है, और अदर कॉसेस के अंदर तीन पॉइंट है, यानी टोटल पॉइंट यहां पे तीन, फर्स्ट के तीन सब पॉइंट, सेकंड के कोई पॉइंट नहीं है, थर्ड के सब थ्री पॉइंट, यानी थ्री प्लस थ्री एंड प्लस वन, यानी टोटल सेवन पॉइंट सेक्शन फाइव मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो हम बात करते हैं हम कैसे याद रखें तीन पॉइंट को, सबसे पहले इन्फ्लेशन के दो ही पॉइंट है, एक्चुअल इन्फ्लेशन दो ही पॉइंट से होंगे, इंक्रीजिंग डिमांड एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी डिमांड बढ़ेगी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा ही, और अदर कॉसेस भी इन्फ्लेशन के, मगर फर्स्ट पॉइंट जो है इंक्रीजिंग द डिमांड, डिमांड इंक्रीज कैसे होगी, तो डिमांड इंक्रीज के लिए हमने यहां पे जो पॉइंट बनाए हैं आपके लिए, पब्लिक की
सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक ने जो सप्लाई की है ना वो ओवर हुई, ये दिमाग में रखना है। पब्लिक की कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सेंटेंस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और हुई भी कुछ नहीं है, मेन पॉइंट है पब्लिक, यानी यहाँ पे पब्लिक मिल गया हमें, ये सेकंड पॉइंट पे बी पे। उसके बाद ये सप्लाई, ये सप्लाई हमारा बन गया सप्लाई ऑफ मनी, और ओवर यानी ओवर पॉपुलेशन हमारा बन गया, तो पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई। ये दो तीन चार पांच बार बोलो तो इंक्रीज इन डिमांड के तीन पॉइंट आपके दिमाग में, आपकी मुट्ठी में, अगर पॉइंट मुट्ठी में, यू कैन विन योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो पब्लिक की सप्लाई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, क्या करना है, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई नहीं बोलना, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई। यू हैव टू स्पीक विथ मी, रिपीट अगेन। इंक्रीज इन द डिमांड हैव थ्री पॉइंट्स एंड वेरी इजीली एंड ट्रिकी पॉइंट इज दैट पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, ये पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। अब पब्लिक की सप्लाई यानी पब्लिक, दैट इज इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सेकंड, पब्लिक की सप्लाई, सप्लाई यानी सप्लाई ऑफ मनी, एंड ओवर हुई यानी ओवर पॉपुलेशन, ये तीन पॉइंट हुए। उसके बाद इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरी डिटेल में हमने जब अभी डिस्कशन किया था उसके अंदर ये सभी बातें हमने ध्यान में ले ली है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई पॉइंट नहीं है, यानी सीधे पॉइंट ही हमें याद रखने हैं, इंक्रीज इन द डिमांड, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट जो है, अदर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी हुई, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी हुई, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी हुई। फर्स्ट पॉइंट में पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, थर्ड पॉइंट में टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी हुई, फर्स्ट पॉइंट में पब्लिक की सप्लाई ओवर हुई, और थर्ड पॉइंट में टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी हुई। टैक्स इंक्रीज, टैक्स यानी यहाँ पे आप देख रहे हो टैक्स का ये जो पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। इंक्रीज का पॉइंट, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स एंड कमोडिटीज, एंड स्कैर्सिटी यानी स्कैर्सिटी, ये तीनों पॉइंट को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया है, टैक्स इंक्रीज हुआ तो स्कैर्सिटी हुई। सो टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट and scarcity, very very handy for you this question, and I am thank you all for watching this video till the end for the fourth chapter revision round. Keep watching this ICD Eco for you, and please those who are new viewers, please subscribe this channel, and those who are still not install app, please install, because for MCQ and so many online questions are there, it will be start after this 5-6 chapter. And you all have to install in your Android, name is ICD Eco for you on Play Store. And if you have any doubt, any query regarding this chapter, you can comment in my comment box, or directly you can contact me on 9662532481 in my WhatsApp number, or you can mail me on chickenhack@gmail.com. So very very important and very easy point and very easy chapter with some of the tricky point, and in comment box you can find out these all the questions, and you have to note down in your notebook this all question, it is your example. If any doubt, comment me in comment box. I repeat again, if any doubt, please comment me in comment box. Thank you for watching till, please share this video, those who are still want to get this type of knowledge, I am heartily congratulate you, and thank you all, thank you very much. We are joined in second, fifth chapter of the revision round in next video.